बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में पेश हूँ शाहिद खलील, मेरा नाम है और मेरे चैनल का नाम है शाहिद चैनल। आज जिस अहम टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो ख़ास है और बड़ा ही अहम और असास है। उसमें ऐसे हेल्पलाइन नंबर जो हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका होना और उनका याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम 15 यानी कि कॉल 115 ईदी एम्बुलेंस की कॉल, इसी तरह 1122 1122 जिसे कहते हैं 11/2 भी कहते हैं एम्बुलेंस सर्विस, इसके लिए हम फ्री कॉल होती है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक हेल्पलाइन दी गई है, एक पुलिस की हेल्पलाइन है 15, उसी में सिक्योरिटी मामलात, उसी में हेल्प के मामलात, उसी में से कैमरास वगैरह के मामलात शामिल हैं वो हैं। कुछ ऐसी हेल्पलाइंस भी हैं जो आ चुकी हैं, फाल भी हैं, लेकिन हमारे तक नहीं पहुंची या कुछ लोग उसको जानते हैं, चंद लोग ही उन तक के उनको पता है और बाकी आम बंदे को नहीं पता। इसमें सबसे पहले तो मैंने चंद लिखी हुई हेल्पलाइनें वो आपको बताऊँगा। 15 पुलिस की हेल्पलाइन है, मददगार हेल्पलाइन है, इसमें एमरजेंसी की सूरत में पुलिस की मदद के जरिए के लिए आप 15 पे कॉल कर सकते हैं, 1-5-15-90। उसके बाद एमरजेंसी है एम्बुलेंस सर्विस 1122 11/2 भी जिसे कहते हैं 1122, बहुत अच्छी सर्विस। उसके बाद एक सर्विस है 1124, ये पंजाब हाईवे है, जीटी रोड पे ना चेक पोस्ट बनी हुई है, जैसे पेट्रोलियम पुलिस है इसका नाम, और ये बहुत अहम है पंजाब में, ये एक्टिव है सुबह पंजाब में। इसका काम है शाहरात की है, जीटी रोड्स वगैरह, आम रोड्स वगैरह की हिफाजत करना। मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन आपको पता ही है 130 है 130। उसके बाद जिसका आपको बिल्कुल पता है वो है 115 ईदी एम्बुलेंस पूरे पाकिस्तान में, ऐसी प्राइवेट एम्बुलेंस जो पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंस उनकी मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और हुकूमती सतह पे उनकी हेल्पलाइन 115 है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बगैर किसी रुपये पैसे के लालच के वो कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत। उसके बाद रेलवे की है 117 है 117, ठीक है, ये आसान और जिनकी आम मामलात में हमें ज़रूरत भी पड़ती है, और उसके बाद इनका आम बंदे को तकरीबन पता है 80 से 95% तक, 95% तक लोग, यानी कि 90-95-80% लोग इन सारी चीज हेल्पलाइन से वाकफ़ हैं। इसमें छापा की आ जाती है जो कराची में यूज़ होती है, सिंध में होती है 10-20 उसका है 1020, ठीक है। ऐसी हैं हेल्पलाइंस जो आपको पता है, नॉर्मल है, फायर ब्रिगेड की है 16 है 16 नंबर 16। उसके बाद PIA की है 114 जिसे 114 भी कहते हैं। अब ख़ास हेल्पलाइंस जो हैं जिनका हमें हैं सही, उनका मौजूद है और वो फाल भी हैं लेकिन हमें नहीं पता, वो कौन सी हैं, वो है 9211 जानवरों की डॉक्टरों की पंजाब में हेल्पलाइंस, ये है जिसमें आप इस 9211 पे अगर कॉल करेंगे तो आपका वेटरनरी डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर आपके डोर पे, आपके दरवाजे पे आके आपके जानवर का चेकअप कर जाएगा, उसको जिस मेडिसिन की ज़रूरत होगी मेडिसिन दे जाएगा। एक ये बहुत ज़रूरी हेल्पलाइन है, और उसके बाद है चाइल्ड ब्यूरो प्रोडक्शन, चाइल्ड प्रोडक्शन के नाम पे हेल्पलाइन जारी हो चुकी है और उस हेल्पलाइन का नंबर है 1121। हेल्पलाइन चाइल्ड ब्यूरो प्रोडक्शन की तरफ से है, जिसमें बच्चों की हिफाजत का मामला है, जैसे किसी का बच्चा गुम हो जाए तो किसी को मिले तो वो 11/21 पे कॉल करता है और उसको उनको उनके हवाले कर देता है ताकि महफूज हाथों में बच्चे पहुंच सकें और उन बच्चों की हिफाजत हो सके और उनके वालदैन तक पहुंचाया जा सके,
इसी तरह लापता बच्चे भी मिल सकते हैं, दूसरे जहनी बच्चे भी होते हैं, मजदूर जहनी मजदूर बच्चे भी जो घर से निकल जाते हैं, घर का रास्ता भूल जाते हैं, ये उनके लिए हेल्पलाइन बनी है। और 9211 अमेरिकन की पुलिस ना समझिएगा, ये पाकिस्तान के वेटरनरी डॉक्टरों की हेल्पलाइन है पंजाब में। ये सारी हेल्पलाइंस थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी और आपको बतानी थी। इसमें से चंद हेल्पलाइन ऐसी हैं जो मुझे भी बहुत लेट पता चली हैं, या कह लो कि बहुत जब सर्च की तो पता चली हैं। इसी तरह अगर आज मेरी वीडियो जो देख रहे हैं वो देखने के बाद उनको पता चलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो के एंड पे अपना अच्छा कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।